हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ हिस्ट्री क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर 11 इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 1। सो वी आर ऑन पेज नंबर 97। इट्स आर एक्सरसाइज, सो वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड री राइट दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट, अ लीगल अग्रीमेंट वॉज साइन इन जेनेवा विच इज नोन एज डैश। इसका आंसर क्या है? सी, GATT। नाउ सेकेंड, एन एक्ट सिमिलर टू राइट टू इंफॉर्मेशन वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन डैश इन 1776। इसका आंसर क्या है? यस, स्वीडन ए, ऑप्शन ए स्वीडन। नाउ थर्ड, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इज ऑब्जर्व्ड एज बी नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे हमारे देश में यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ए, राइट नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस पर्सन्स इवेंट। फर्स्ट, 2004 दिस बिकम द बिगेस्ट फार्म इन एशिया प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इसका आंसर क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन 2020 द डैश मेट्रो रेलवे वॉज फ्लैग्ड ऑफ। इसका आंसर क्या है? द दिल्ली मेट्रो रेलवे। पहले आप लोग एक बार स्पेलिंग देख लो तो लिखो अपने बुक में। ओके, नाउ बी, चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम दिस गिवन बिलो एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। सी, ठीक है, ऑलरेडी मार्क है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इंक्रीज शेयर इन दिस सॉफ्टवेयर सेक्टर। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 93 पे। तो हमें पेज नंबर 93 पर आ जाना है। सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 93। अब यहाँ पर ये देखो, राइट साइड में जो मैंने हाईलाइटेड किया है येलो कलर से, इंडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वॉज बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ, जितने भी रेड मार्क दिख रहे हैं ना वो लिख लेना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, सेकेंड कॉलम में लिखना है द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फेवरेबल पॉलिसीज फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ओके, और थर्ड कॉलम में हमें लिखना है फोरसाइटनेस ऑफ द इंडियन एंटरप्रेनर्स, और फोर्थ लास्ट हमें लिखना है द नेशन वाइड स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमें चार ही लिखते थे, हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट। फर्स्ट, द यूथ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा? देखो, मैंने पेज नंबर ऑलरेडी लिख कर रखा है। सो आ जाओ फटाफट से पेज नंबर 95 पे। ओके, अब ये देखो 11.7 यूथ रिलेटेड पॉलिसी। ये जितना भी रेड अंडरलाइन दिख रहा है ना, ये लिखते जाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इसे पॉइंट वाइज ही लिखना है। ओके, इसे नहीं, सारे आंसर्स पॉइंट वाइज ही लिखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये इंडिया इज अ कंट्री, ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक कंटिन्यू करना है, ये यंग इंडिविजुअल्स तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, मतलब पॉइंट वाइज ऊपर के लिखेंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट लिखना है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश यूथ हॉस्टल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। ओके, फिर ये बीच के नहीं लिखने। देन इसके बाद नेक्स्ट ये देखो, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन वर्क फॉर इंकरेजिंग द एडवेंचर्स स्किल अमंग यंग पीपल। ओके, ये लिखे। इसके बाद पेज नंबर 96 पे ये तीन चार लाइन कंटिन्यू कर देनी, तीन चार लाइन जो दी है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर अरेंज बाय द एसोसिएशन थ्रू भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल सर्विस स्कीम एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1, ये जितने भी रेड अंडरलाइंस है वो समझ में आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2, प्रधानमंत्री ग्राम साधक योजना। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 91 पे। हम आ गए पेज नंबर 91 पे, और ये देखो लेफ्ट साइड से जो है ना नेक्स्ट पैरा ऊपर वाला, इसके जवाहरलाल नेहरू के ऊपर वाला पैरा, ये भी पूरा मैंने रेड मार्क करके रखा है। रेड अंडरलाइन जितने भी है सारे लिखने हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण साधक योजना, ये पूरा पैरा ही इलेक्ट्रिसिटी तक लिख देना है।
ओके नाउ हमें आना है क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों भी हो गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट योर ओपिनियन। फर्स्ट, इंडिया इज़ द लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। ओके, तो आप इसको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने ओपिनियन से ही लिखो स्पेस रिसर्च का, स्पेस क्राफ्ट का, लेकिन फिर भी एक बार ये पढ़ लो, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। सो हम पेज नंबर 94 पे आ जाएंगे। ये भी सही दिया है, आप इसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो। सो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये मिडल वाला दिया है ना, दोनों पर्पल के बीच में जो मिडल वाला हमारा पैराग्राफ है, मैंने इसे भी हाईलाइट करके रखा है, रेड अंडरलाइन फॉलो करना है यहाँ पर भी। इन 2007 इंडिया एंटर अ न्यू फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, ये दिख रहा है ना, ये पूरा लिखना है, कहाँ तक कंटिन्यू करना है, यहाँ मंगलयान तक, पूरा इन 2017 से लेके मंगलयान तक कंटिन्यू कर देना है और वहीं पे एंड कर देना है। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, और यहाँ पे हमें एक ही दिया हुआ है, ठीक है, तो वही देख लेंगे। विच प्रोग्राम्स वर लॉन्च इन इंडिया फॉर मेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ वेज अर्निंग। देखो ये आंसर इन डिटेल दिया है तो ये आंसर तो बड़ा रहेगा। सो हमें ये आंसर दो पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 89 और पेज नंबर 19 पे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 89 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 89 पेज नंबर 89 पे आ गए। ये देखो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये दिख रहा है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख रखा है। सबसे पहले देखो आपको यहाँ से ही लिखना, ऊपर से नहीं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार हमी योजना वर स्टार्टेड ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ओके, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है। रोजगार हमी योजना वॉज टू इंश्योर डेली वेजेस ऑन दी अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर लेबर्स। ओके, सारे ऐसे पॉइंट वाइज कंटिन्यू करते जाने। एंड एज आई सेड कि आंसर तो बड़ा रहेगा ही, इन डिटेल है और इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारे आंसर इतने बड़े बड़े ही है, ऑलमोस्ट सारे आंसर बड़े हैं। सो पूरा यहाँ तक ये पहले हमें कंटिन्यू कर देना है। देखो ये पूरा यहाँ से प्रधानमंत्री रोजगार योजना से होल्डर्स तक कंटिन्यू करना है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। तो ये देखो सुवर जयंती ग्रामीण सिवायम रोजगार योजना, ये हमें पूरा युद्ध तक लिखना है, ठीक है, ये देखो युद्ध तक लिखना है। एंड उसके बाद ऐसे ही नहीं छोड़ देना, और भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए युद्ध के बाद हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, एक्सेट्रा। सो ये देखो एक्सेट्रा लिखकर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है, लेकिन ये आंसर और भी है, पीछे कहानी अभी बची है। या सो पेज नंबर 89 पे तो इतना ही लिखना है, ठीक है, एक्सेट्रा करके फुल स्टॉप। एंड देन पेज नंबर 19 पे आ जाना है, सॉरी पेज नंबर 90 पे आ जाना है, और ये जो दोनों पॉइंट है ना, इसके भी थोड़े थोड़े से लिख देने हैं, ठीक है, ये हमारा अच्छा खासा 5-6 पॉइंट बन जाएगा, तो ये इनफ है, और वहीं पे स्टॉप कर देना है। देखो अगर आपको नहीं समझा तो एक बार और देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने जहाँ से लिखा है वो पूरे कंटिन्यू करते जाना है, देन जो जो रेड मार्क है उसको फॉलो करते करते पूरी रेड अंडरलाइन लिखना है, और यहाँ पे एक्सचेंज इन वर्क एक्सेट्रा यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ये आंसर बस हो जाएगा, हमें 7-8 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे उसमें। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 7, राइट डिटेल आंसर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो ये हमें पेज नंबर 96 पे मिलेगा, लेकिन इस आंसर में हमें तीन आंसर दिए हैं, ठीक है, ए बी सी। तो मैं आपको पहले बैकग्राउंड ऑफ एक्ट बताऊंगी, देन उसके बाद डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन, और थर्ड द राइट ऑफ सिटीजन अंडर दिस एक्ट, वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले सबसे पहले पेज नंबर 96 पे आ जाओ। तो हम लोग पेज नंबर 96 पे आ गए, अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 11.8 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये वाले पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है ए,
हमारा एज क्या था, क्वेश्चन क्या था, बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट एंड द बिगनिंग ऑफ द दिस मूवमेंट इन इंडिया. ओके, हमारा क्वेश्चन ये था. सो हमारा आंसर यहाँ पे जो मैंने ब्लू टिक किया है वो रहेगा यहाँ से पूरा. देखो ब्लू लाइन फॉलो करनी है, ब्लू अंडरलाइन मैंने जितना किया है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ये पूरा नीचे नहीं, हमारा वन यहाँ तक का ही है. देखो हमारा क्वेश्चन है स्टॉप हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए यहाँ पर स्टॉप कर देना है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7B, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें बी क्या दिया था, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमें इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखनी थी और मैंने यहाँ पर देखो ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है बी. ठीक है, बी दिख रहा है ना. सो ये देखो, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑफिशियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट मोमेंडा ईमेल्स कमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो भी होता है वो. ठीक है, लेकिन आपको एक्सेट्रा वगैरह ये सब तो नहीं लिखना है, आप लोगों को पूरा ही लिखना है. राइट, तो आप लोगों को यहाँ तक लिखना है. ठीक है, बी अगेन देख लो, सबसे पहले ए हमें लिखना है दिस काइंड ऑफ एक्ट, यहाँ दिस काइंड ऑफ एक्ट से लेकर यहाँ तक, लेकिन पूरा पॉइंट नहीं, जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो ही. ओके, नाउ बी कहाँ से लिखना है, द डेफिनेशन ऑफ टर्म, यहाँ से ये मैंने जो रेड मार्क करा है वो डेफिनेशन ऑफ टर्म पूरा यहाँ तक कंटिन्यू करना है. ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट. ओके, नाउ आवर लास्ट पॉइंट, हमें लास्ट पॉइंट ये दिया था क्वेश्चन, द राइट ऑफ सिटीजन अंडर दिस एक्ट. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमें कहाँ पे लिखना है, कहाँ से लिखना है, देखो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रांट्स एक्सेस टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये पूरा हमें अथॉरिटी तक लिख देना है. ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे ओवर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 के जो 3 पॉइंट है वो भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा और लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगेन क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7A, पहले यहाँ से पूरा ये 2005 तक. नाउ बी द डेफिनेशन ऑफ टर्म, यहाँ से पूरा ये एस्टैब्लिशमेंट तक. एंड लास्ट सी, राइट टू इंफॉर्मेशन ग्रांट, ये पूरा राइट टू इंफॉर्मेशन ग्रांट से लेके पब्लिक अथॉरिटी तक. ठीक है, सो हमारे यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है. होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.